दोस्तों स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल मेक ड्रीम करियर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एलएस कपलिंग के बारे में। दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये बहुत ही आसान भी है। ठीक है, महत्वपूर्ण है और आसान है तो ये फिर तो मजे ही मजे है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एलएस कपलिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिलेक्शन रूल क्या है एलएस कपलिंग का। उसके बाद हम लोग इसका वेक्टर मॉडल भी देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे इसका एक उदाहरण एलएस कपलिंग पर बेस्ड, और कंप्लीट ये हो जाएगा वीडियो और आपको पूरा फील भी आएगा कि ये कहना क्या चाहता है। बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, देखिए कहता है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम जो होता है वो बहुत ज्यादा नंबर में, बहुत बड़े संख्या में वो इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करता है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन में, मतलब एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कहना चाहता है। ठीक है, और ईच इलेक्ट्रॉन हैज ए डेफिनेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्मॉल एल वेक्टर। और कहता है कि प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन होगा उनके पास एक डेफिनेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, स्मॉल एल वेक्टर होगा, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम एज स्मॉल एस वेक्टर होगा। ठीक है, एक एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास एक डेफिनेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्मॉल एल वेक्टर और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्मॉल एस वेक्टर होगा। ठीक है, यहां तक की कहानी यही है। उसके बाद बोलता है कि दीज मोमेंटा इंटरैक्ट्स विथ ईच अदर। और ये जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उनके पास बहुत सारे मोमेंटम है, वो आपका ऑर्बिटल एंगुलर हो सकता है या फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं, एक साथ कपल्ड होते हैं और एक रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मेशन करते हैं उस एटम के लिए। ठीक है, फील आया, ये बहुत आसान टॉपिक्स है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कपलिंग, यानी कि कंबाइंड होने का, एंगुलर मोमेंटम को कंबाइंड होने का जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है आपका एलएस कपलिंग, एलएस कपलिंग। और इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मल कपलिंग भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो लाइटर एटम्स होते हैं, यानी कि जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 2-3 हो, ज़्यादा ना हो। ठीक है, ज़्यादा रहेगा तो फिर हम लोग दूसरा कपलिंग पढ़ेंगे, ये लाइटर एटम के लिए। ठीक है, बोलता था मोस्ट, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद एलएस कपलिंग यूजुअली टेक्स प्लेस इन लाइटर एटम। लाइटर एटम मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 या 3 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, इन एलएस कपलिंग इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्मॉल L1 स्टार जो होगा, L1 लेंगे तो L स्टार लगा हुआ देखिए, तो रूट अंडर L1 इंटू L1 प्लस 1। L2 स्टार लेंगे रूट अंडर L2 इंटू L प्लस 1। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कंबाइंड, और ये जो इसका जो मोमेंटम है L1 और L2 जो है, L1 स्टार और L2 स्टार, ये दोनों कंबाइंड होते हैं एक साथ और एक रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मेशन करते हैं जो है आपका कैपिटल L स्टार, जो है वो इक्वल हो जाएगा रूट अंडर L इंटू L प्लस 1, जहाँ पर देखिए, जहाँ पर L1 जो है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और L2 जो है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और L जो है वो रिजल्टेंट क्वांटम नंबर विच कैन हैव वैल्यूज। देखिए L1 प्लस L2 से शुरू होगा वैल्यू कैपिटल L का, वो जाएगा कहाँ, मॉड L1 माइनस L2। बीच में क्या कर रहा है, L1 प्लस L2 तो ले रहा है उसमें 1 घटा रहा है, फिर L1 प्लस L2 तो ले रहा है उसमें 2 घटा रहा है, L1 प्लस L2 लेगा 3 घटाएगा, L1 प्लस L2 लेगा 4 घटाएगा, और तब तक घटाएगा जब तक L1 माइनस L2 के मॉड के बराबर ना हो जाएगा। ठीक है, आगे बोलता है कि जिस तरह से L1 मतलब कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक साथ कंबाइंड होकर रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, मतलब रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मेशन किया, उसी तरीके से स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी कंबाइंड करते हैं। यहाँ स्मॉल S1 है तो यहाँ पर आपको, यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिएगा S1 इंटू S1, यहाँ पर S1 इंटू S1 प्लस 1, उसको आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, छूट गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ S2 है तो यहाँ S2 इंटू S2 प्लस 1 ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइंड और कपल टुगेदर टू फॉर्म एक रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम, जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा S स्टार
ई जो रहेगा इक्वल रहेगा एस इंटू एस प्लस वन, वेयर अभी हम लोग नीचे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एस वन स्मॉल एस वन जो है वो रूट अंडर एस वन इंटू स्मॉल मैचअप्स, ठीक ये है, ठीक है आप उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा यहाँ पर, ठीक आगे बढ़ जाए, ठीक है बढ़ जाते हैं, बोल रहे हैं आप तो आगे बोल रहा है कि एस वन जो है स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एस टू जो है स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और एस जो है वो टोटल क्वांटम नंबर विच कैन टेक्स वैल्यू, इसका जो वैल्यू रहेगा एस वन प्लस एस टू से शुरू होगा और मॉड एस वन माइनस एस टू तक जाएगा, और बीच में वही काम एक बार वन घटाएंगे एक बार टू घटाएंगे एक बार थ्री घटाएंगे, तब तक घटाएंगे जब तक दोनों के घटाने पर एस वन माइनस एस टू के मॉड यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है नेगेटिव नहीं, अंदर मॉड के अंदर में अगर माइनस टू भी रहेगा नहीं तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। फाइनली रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल स्टार एंड एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस स्टार कंबाइंड, देखिए पहले एल वन एल टू कंबाइंड किया एल दिया, एस वन एस टू कंबाइंड किया एस दिया, उसके बाद आप एल और एस कंबाइंड करेगा और तब जे देगा, समझे नहीं समझे अभी समझ में आएगा, ठीक है वह चीज लिख रहा है गिव रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम जेड जे स्टार वेक्टर ऑफ एटम वेयर दिस, जेड स्टार जो रहेगा वो आपका जे रूट अंडर रहेगा जे इंटू जे प्लस वन, ठीक आगे बढ़ जाए बढ़ जाते हैं। जे इच कैन हैव वैल्यू जो रहेगा इसका पॉसिबल वैल्यू वो रहेगा एल एल प्लस एस से लेकर के मॉड एल माइनस एस तक, बीच में वही काम वन घटाइए टू घटाइए थ्री घटाइए। तो ये था इसका इंट्रो एल एस कपलिंग का। अब बात करते हैं हम लोग इसका सिलेक्शन रूल का। तो देखिए सिलेक्शन रूल में जो है वो इसका चार पॉइंट है, उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। बोलता है कि ऑल द वेक्टर एल स्टार एस स्टार और जे स्टार आर क्वांटाइज्ड, इसको क्वांटाइज्ड रहना पड़ेगा, ठीक है एल स्टार वेक्टर एस स्टार वेक्टर और जे स्टार वेक्टर सबका जो रहेगा वो क्वांटाइज्ड रहेगा, ठीक है पहला इसका सिलेक्शन रूल है। दूसरा सिलेक्शन रूल कहता है कि एल इज ऑलवेज ए लीनियर इंक्लूडिंग जीरो, एल जो रहेगा वो इंटीजर रहेगा, लीनियर पढ़ दिए सॉरी, ये क्या रहेगा इंटीजर रहेगा और जीरो भी हो सकता है, क्या हो सकता है जीरो भी हो सकता है। तो देखिए एल जो रहेगा वो जीरो वन टू थ्री फोर डिजिट में लिख दिए हम लोग, जीरो रहेगा तो आप उसको एस पी डी एफ जी लिखना है, आप चाहे तो इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं एस पी डी, ठीक है कई सारे वीडियो में हमने देखा है कैपिटल लिखा हुआ है तो आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है बाद बाकी स्मॉल हम लोग पढ़ते हैं आज तक तो हम इसलिए हमने स्मॉल लिख दिया, आप कैपिटल लिख सकते हैं। आगे देखिए बोल रहा है कि एस में हैव इंटीग्रल वैल्यू और हाफ ऑड इंटीजर इंटीग्रल वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, बोलता है कि एस जो है वो इंटीजर भी हो सकता है और हाफ ऑड इंटीजर भी हो सकता है, यानी कि इंटीजर सीधा वन टू थ्री इस तरह हो सकता है, उसके बाद हाफ इंटीजर करने का मतलब क्या हाफ रहेगा मल्टीप्लाई उसके बाद इंटीजर वन यानी कि वन बाई टू, उसके बाद रहेगा हाफ रहेगा उसके बाद टू तो ये हो जाएगा, तो ये तो थ्री, इसको थ्री कर देते हैं क्यों क्योंकि टू रहेगा तो फिर वन दे देगा, ठीक है टू से टू मर जाएगा, ये हो जाएगा थ्री बाई टू, इसको हम लोग बोल रहे हैं हाफ इंटीजर, देखिए ऊपर में इंटीजर ही आ रहा है नीचे में दो से डिवाइड करने इसलिए हाफ बोल रहे हैं, ठीक दो से डिवाइड है ये, देखिए इसको थ्री बाई टू तो ये थ्री क्या है इंटीजर है, लेकिन ये टू से हम लोग क्या कर दिए डिवाइड कर दिए तो इसको बोलेंगे हाफ इंटीजर, क्या बोलेंगे हाफ इंटीजर है, ठीक हाफ इंटीजर ऑफ थ्री। आगे देखिए उसके बाद बोल रहा है किधर चल जाता है हाफ ऑड इंटीजर, हाँ ऑड इंटीजर वन मतलब वन बाई टू होगा थ्री बाई टू होगा फाइव बाई टू होगा इस तरह होगा, ठीक ऑड नंबर वाला रहेगा, ठीक इवन वाला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा तो फिर सीधा इंटीजर हो जाएगा। आगे देखिए बोलता है आगे इधर यहाँ पढ़ना है एस इज इंटीजर फोर एंड इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एस जो रहेगा वो क्या रहेगा वो रहेगा आपका इंटीजर, कैसे आइए इस बात को भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। एस जो है वो दो तरह का होता है प्लस माइनस हाफ, ठीक है प्लस माइनस हाफ, अगर इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए कि टू इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास स्पिन जो होगा वो क्या होगा
प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, तो हम लोग प्लस लेके चलते हैं पहला इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग लेके चलते हैं, वो भी हम लोग प्लस लेके चलते हैं। ठीक, अब देखिए तो एस अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एस बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/2 1/2 आधा प्लस आधा 1, तो 1 आ जाएगा। तो अगर इवेन रहेगा तो क्या होगा, तो एस का जो वैल्यू होगा वो इंटीजर होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड हो जाते हैं, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितना 3, तो इसका हाफ लीजिए, इसका हाफ लीजिए, इसका हाफ लीजिए, ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तीनों को हम लोग अगर जोड़ते हैं तो आ जाएगा आपका, तीनों को जोड़ेंगे यहाँ पर 3 नहीं रहेगा 2 रहेगा, तो ऊपर में आएगा 3/2, तो देखिए ऑड इंटीजर आया। अब मान लीजिए कि एक को अगर हम लोग घटा देते हैं तो देखिए 1/2 प्लस 1/2 देगा 1, और इसमें हम लोग घटा देंगे एक को -1/2, मतलब इसका वाला माइनस ले लीजिए। स्पिन दो ही होगा, या तो पॉजिटिव हाफ या तो नेगेटिव हाफ, तो घटा भी देंगे तो फिर आपका 1/2 आएगा। मतलब कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो अगर इवेन है, इवेन ठीक है, तो जो एस का वैल्यू रहेगा वो इंटीजर रहेगा, क्या रहेगा इंटीजर रहेगा, लेकिन अगर ऑड रहता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एस का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, वो ऑड ऑड हाफ इंटीजर होगा, क्या होगा, ऑड हाफ इंटीजर होगा। ठीक है, समझ सकते हैं, बहुत आसान टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, जे जो रहेगा, जो बराबर होता है एल प्लस एस का, मस्ट बी इंटीजर, ये मस्ट बी इंटीजर होगा अगर एस इज एन इंटीजर, अगर एस एक इंटीजर होता है, और अगर जे मस्ट बी हाफ इंटीजर, अगर ऑड इंटीजर, जे मस्ट बी हाफ ऑड इंटीजर इफ एस इज हाफ ऑड इंटीजर। एस का ही तो काम है, एल आपका तो हमेशा इंटीजर ही रहेगा, तो इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर ही देगा। एस कभी कभी इंटीजर रहता है और कभी कभी हाफ ऑड इंटीजर होता है, तो इंटीजर में हाफ ऑड इंटीजर जोड़ेंगे तो फिर वो हाफ ऑड इंटीजर बना देगा। इसीलिए एस का वैल्यू अगर इंटीजर है तो जे का वैल्यू भी इंटीजर होगा, लेकिन अगर इसका हाफ ऑड इंटीजर हुआ तो हाफ ऑड इंटीजर प्लस इंटीजर मिला के फिर से ये हाफ ऑड इंटीजर बन जाएगा। ठीक, यही चीज़ था 4 सिलेक्शन रूल, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं, आइए अब इसका हम लोग देखते हैं वेक्टर एटम मॉडल 4 LS कपलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा छूट चुका है, यहाँ पर L स्टार होगा, क्या होगा, L स्टार वेक्टर आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर इस लाइन में। ठीक है, तो देखिए L1 स्टार L2 स्टार मिल के कंबाइंड करके यहाँ पर L स्टार दिया, उसके बाद S1 और S2 मिल करके S स्टार दिया, अब ये दोनों मिलेगा और एक रिजल्टेंट देगा जे स्टार। अब फिगर को आप फिल कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया तो उसको आप लिख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखना है L स्टार वेक्टर। ठीक, यहाँ पर उसके बाद देखिए वही चीज लिखा हुआ है, L1 L2 मिल के L दिया, S1 S2 मिल करके S दिया, उसके बाद ये L S और L और S मिल करके फिर यहाँ पर आपको दिया है क्या, J दिया, यहाँ पर J आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ठीक है, J। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिगर आपकी, एग्जाम्पल ऑफ एल एस कपलिंग, लेट अस कंसिडर ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल। ठीक है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिट, यानी कि पी ऑर्बिट है तो एल वन जो होगा वो 1 हो जाएगा, और अदर जो है वो डी ऑर्बिट, तो एल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एल का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या करेंगे हम लोग, एक एल का वैल्यू निकालेंगे और एस का वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको भी हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये हम लोग जानते हैं ये होता है एल का वैल्यू, अब एल प्लस 1 करेंगे तो एक 1 है एक 2 है तो क्या आ जाएगा, 3 जाएंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, 1-2 करेंगे, 1-2 मॉड भी है तो ये हो जाएगा 1, -1 होगा लेकिन मॉड उसको प्लस कर देगा, यानी कि 1 से लेके 3 तक तो क्या होगा, 1-2-3, तो वही चीज हो गया 1-2-3 या 3-2-1। 1 को हम लोग पी बोलते हैं, 0 रहता तो एस से शुरू होता, एस पी डी एफ। ठीक है, कैपिटल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है कैपिटल ही लिखिए, ठीक है कैपिटल ही लिखिए आप। उसके बाद देखिए पी है तो 1 है तो पी, 2 है तो डी और 3 है तो एफ। ठीक, उसी तरीके से S1 को हम लोग यहाँ पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, S1 जो है हाफ, S2 जो है वो भी हाफ निकालेंगे यहाँ, तो हाफ प्लस हाफ 1 देगा, हाफ माइनस 1 0 देगा, मतलब 0-1 दुए को होगा। ठीक, अब अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, S1 वी नो दैट, हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ
ऑफ स्टेट जो होगा वो 2s+1 होगा, क्या होगा 2s+1 होगा, 4s = 0, s बराबर 0 लेंगे तो हम लोग यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा सिंगलेट, s बराबर 1 पुट करेंगे यहाँ 1 तो ये हो जाएगा 3, ट्रिपलेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोल रहा है वी हैव टर्म वैल्यू, देखिए 2s+1 और नीचे में है j। अब हम लोग देखते हैं फॉर सिंगल टर्म द वेरियस पॉसिबिलिटी आर, जो सिंगलेट टर्म में जो है वो वेरियस पॉसिबिलिटी क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। आइए इसको थोड़ा सा समझने के लिए ऊपर हम लोग आते हैं। सिंगलेट कब आया था, जब s = 1 था, यानी कि s हमारा सिंगलेट कब आया था, जब s = 0 था, s = 0 था, तो s = 0 पर 3 वैल्यू हम लोग लेंगे, l का एक बार वैल्यू लेंगे हम लोग 1, एल का एक बार वैल्यू लेंगे 2 और एक बार हम लोग लेंगे वैल्यू इसका कितना 3, तो यहाँ पर 3 केस बनेगा। ठीक है, फिर ट्रिपलेट का बात करेंगे तो एस बराबर हम लोग 1 लेंगे, अभी हमने आपको बताया ट्रिपलेट 1 पुट करते हैं, यहाँ पर देखिए 2s+1 करते हैं, एस का वैल्यू पुट करते हैं तो 3 आता है, इसीलिए ट्रिपलेट। ठीक, तो एस बराबर 1 पर ट्रिपलेट है, यहाँ भी 3 वैल्यू आएगा, एल बराबर एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, आगे देख लीजिए आप, देखिए s = 0, l = 1, j = 1 हो जाएगा, क्यों, देखिए यहाँ पर देखिए s + l हम लोग करेंगे तो 0 + 1 1 देगा, तो 1 देगा, तो j का वैल्यू जो होता है वो s + l, s + l - 1, इसी तरह से डॉट 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 करके लास्ट में s - l तक जाता है। ठीक है, घटाएंगे तो इसको अगर हम लोग s - l का मॉड कर दें तो भी 1 देगा, तो 1 और 1 के बीच में कितने इंटीजर है, केवल 1 है, इसीलिए j बराबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं, आगे हम लोग ट्रिपलेट वाला में समझेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है उसको। ठीक है, आगे देखिए s = 0, l = 2, j = 2 है। ठीक है, j = 2 कैसे है अभी आपको समझ में आएगा। देखिए अब देखिए s = 0 है, यानी कि s = 0 है, l = 1 है और j = 1 है। अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज दिमाग लगाना है कि ये तो 1 है, ये 1 है हमारा, पुट करने के बाद 0 पुट करने के बाद 1 आता है और j का वैल्यू हमको मिल गया है 1। अब l = 1 है तो p होगा, l = 1 है तो क्या होगा p होगा, l = 2 है तो क्या होगा d होगा, l = 3 है तो क्या होगा f होगा, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर में 1 1 लिखा हुआ है इससे, और j आपका यहाँ j 2 था तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं, आगे देखिए फोर ट्रिपलेट टर्म द वेरियस पॉसिबिलिटी जो है वो क्या होगा, s = 1 लेंगे, 1 1 तीन बार लेंगे, एक बार l = 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार 3 पुट करेंगे, j का वैल्यू अलग अलग होगा। देखिए j का वैल्यू यहाँ आपको डिटेल में समझ में आएगा। s + l कर रहे हैं फर्स्ट केस का तो आया 2, उसके बाद s - l कर रहे हैं तो आया कितना 0। अब 0 और 2 के बीच में कितने इंटीजर है, 0 के बाद देखिए 1 है और कुछ नहीं है, 1 है सिर्फ, तो 0 1 2 तीन को है, 2 1 0 भी बोल सकते हैं, तो 1 0 1 2 और यहाँ पर इसका तो ये इसका ट्रिपलेट है तो ऊपर में 3 होगा, 2s + 1 के बदले 3, यहाँ भी 3। ठीक, यहाँ पर देखिए l = 1 है तो p होगा, l = 2 है तो d होगा, l = 3 है तो f होगा। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर देखिए j का जो वैल्यू पूरा रहेगा कोमा लगा के यहाँ भी हम लोग लिख देंगे, तो इस तरह से ये पूरा आपका ls कपलिंग समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग JJ कपलिंग का बात करेंगे, वो हैवियर एटम के लिए। ठीक है, धन्यवाद।